बात जरा अब आसिफ रशीद आपको बताएंगे कि जम्मू के अंदर लगातार मुलाजमीन सरापा एहतजाज और आज 21वां दिन है। कौन से मुलाजमीन है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, बताएंगे डिटेल के साथ आसिफ रशीद। बिल्कुल, मुलाजमीन ये पीएचई के हैं और आरजी मुलाजमीन हैं। 22 जून को एक हड़ताल शुरू हुई थी, उस वक्त भी हमने आपको अपडेट किया था और ये हड़ताल थी सिर्फ 48 घंटों के लिए। उस वक्त कहा गया कि जम्मू के मुतलका दफ्तर जो जल शक्ति डिपार्टमेंट का है, सीनियर ऑफिशियल्स बैठते हैं बीसी रोड पर, और 48 घंटों की हड़ताल आज 22वें दिन में दाखिल होने जा रही है। 21 दिन खत्म हो गए हैं और हड़ताल पर बैठे मुलाजमीन कह रहे हैं कि 50 से 60 महीनों की तनख्वाह भी नहीं मिली, मुस्तकिल नौकरी पॉलिसी भी नहीं है, सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि कम से कम ईद, दिवाली या होली पर इन्हें तनख्वाह मिले, ये दिन भी निकल गए और इसी तरीके से आज का ये त्यौहार भी निकल गया, यात्रा भी चली गई, सारी चीजें हुई, लेकिन 21 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक इनके साथ किसी ने कोई रابطہ नहीं किया। जो 48 घंटे की हड़ताल थी वो खत्म करने की बात कही गई थी, उस वक्त इंतजामिया की तरफ से उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी आपके मामलात पर गौर किया जाएगा, लेकिन गौर नहीं हुआ, उसके बाद हड़ताल को कंटिन्यू किया गया। ये वो तमाम लोग हैं जिनके बकौल 1992, 1993, 1994 तक ये तमाम लोग उस वक्त अपनी खिदमात देना इन्होंने शुरू की थी, नौकरी का आगाज किया था, लेकिन 25, 28, 27, 26 वर्षों से अभी तक ना ही मुस्तकिल किया गया और अब जाकर एक नई परेशानी कि 55 और 60 महीने की सैलरीज अभी तक इनको नहीं मिली, जिसकी वजह से खुद तो एहतजाज पर हैं लेकिन अहले खाना भी फाका कशी पर मजबूर है। सूरत हाल यहाँ तक बनी है कि 10 के 10 अजला में अब सरकार को इंतबाह दिया गया है कि अगर उनके मामलात मजीद इल्तवा का शिकार रहे तो हर जिले से मुलाजमीन को जम्मू बुलाया जाएगा। जो चीफ इंजीनियर का दफ्तर है पीएचई डिपार्टमेंट का बीसी रोड जम्मू पर, वहां पर धरना दिया जाएगा। तमाम मुलाजमीन हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आएंगे, अब तक डिस्ट्रिक्ट्स की बात थी लेकिन अब जम्मू पहुंचकर एहतजाज करेंगे और इसकी वजह से मुतद्दिद इलाकों में पानी सप्लाई भी जब मुतासिर हो रही है तो लोगों को मुश्किलात भी पेश आई हैं। पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में अगर कहीं पर कोई पाइप भी टूट जाती है, सप्लाई कट ऑफ होती है तो ठीक कौन करेगा, ये इस वक्त इंतजामिया के पास कोई मुतबादिन नहीं है क्योंकि ये वो मुलाजमीन है जो महकमे के अंदर 70 से 75% तक का काम अंजाम देते हैं, लेकिन इस वक्त हजारों मुलाजमीन हैं, 21 दिन मुकम्मल हो गए हैं, हड़ताल पर हैं। 22 जून को हड़ताल शुरू हुई थी और आज 12 तारीख को हड़ताल कंटिन्यू करने की बात उस वक्त कही जा रही है जब मुतालबात अभी भी सरकार ने नहीं माने। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो।